मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा अनुभव आया। आप अगर मुझे एक एक दो दो सेंटेंस में कह सकते हैं कि कैसे लगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पे पहली बार मुझे ज्वाइन किया है। तो प्राणायाम अच्छा लगा मुझे। जो प्राणायाम था वो 30 मिनट्स है और एवरेज मैंने टाइम देखा तो इट इज मतलब वो अच्छा लगा क्योंकि इट्स लाइक अ बैलेंस ऑफ स्ट्रेचेस एंड प्राणायाम बोथ। तो 30-30 मिनट्स वो अच्छा था मेरे। दैट इज द बेस्ट थिंग आई लाइक। ओके एंड हाउ डू यू फील आफ्टर दिस? वेरी रिलैक्स्ड। एंड जो बैक का स्ट्रेचिंग होता है तो क्योंकि बैक ही बहुत स्टिफ रहती है तो उसके बाद में भी लाइक यस्टरडे आल्सो आई डिड इट एंड यस्टरडे देयर वाज अ इवेंट लाइक आई वाज देयर फॉर 6 आवर्स। तो 6 घंटे मतलब एकदम पूरा फुल एनर्जी अच्छी थी कल के दिन की। तो वो कल का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा आफ्टर दैट एक्सरसाइज ऑफ 1 आवर अपने सेशन के बाद। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने कुछ ऐसा वर्कआउट किया, वॉक वगैरह करता हूँ पर इतना नहीं होता था अभी काफी टाइम। बहुत अच्छा लगा। ओके और आपको कुछ थोड़ी सी कठिनाइयां आ रही थी बट फिर भी आप कर रहे थे और पूरा 1 घंटा आप नीचे बैठे, वो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने पैर बदले नहीं, आप बैठे रहे, तो वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। यस और जब आप भी आपसे मिलना हुआ वो 2 साल पहले की अभी भी इसमें है माइंड में सब, पर कुछ अप्स एंड डाउन्स के कारण चेंज हो जाता है। और आज फिर से वापस एनर्जी मिल गई आपसे। प्राणायाम नहीं बोल देना, ये तो 2 दिन का है, ये काफी दिन तक चलेगा। से ये सबके लिए है कि कुछ भी होने का, स्माइल रखने की और मेरुदंड सीधा रखने का, छाती ऊपर मेरुदंड सीधा। लाइफ में कितने भी पत्थर अपने पे फेंके जाए या कितने भी बॉल्स आए, इंसान गुगली डालता है, फिर पत्थर डालता है, टेस्टिंग चलती रहती है हमेशा, मरते दम तक अपनी टेस्टिंग चलती रहेगी, पर छाती ऊपर और मेरुदंड सीधा इतना ध्यान रखिए। ये शरीर को जितना आप फैला के और स्ट्रेट रखेंगे उतना आप में ताकत ऊर्जा बढ़ती है। जस्ट एक शरीर का इतना महत्व है, इसीलिए लोग आसन करते हैं ना, वो आसन छोड़ते नहीं है एक बार करने के बाद, क्योंकि इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल फायदे हैं। ये अभ्यास ऐसे ही सिर्फ शरीर को हेल्दी रखने का नहीं है, ये अपने को स्ट्रेंथ दिलाने का, कॉन्फिडेंस दिलाने का, काम एंड क्लैरिटी, ऊर्जा दिलाने वाला ये अभ्यास है। तो इसलिए ये कुछ भी आप जो भी करते हैं ना, छाती ऊपर मेरुदंड सीधा। ओके मैम, मैं रेडी हूँ वीकेंड करने के लिए। तो मैं हर वीकेंड करने के लिए रेडी हूँ। ओके ग्रेट। और आपका अनुभव कैसा रहा ये 2 दिन? बहुत बढ़िया। दुनिया एक्चुअली मैं तो बीच-बीच में कर ही रहा था Yes. तो उसका एक्सपीरियंस मतलब ये 2 दिन में तो और आपके एक्चुअली प्रैक्टिकल आपके साथ करने के बाद है ना और बहुत अच्छा लगता है। दुनिया खूबसूरत हो जाती है एक दिन के लिए खूबसूरत। ऐसा सोचता हूँ कि दिल्ली ऐसा दिन भर 1 घंटा में किया ना तो ना मैं Yes. मेरी तैयारी है, आप मुझे साथ दीजिए। चलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा और कल भी बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग था आफ्टर प्राणायाम। प्राणायाम के बाद में जो मन में बहुत सारी चीजें थी उसके बाद रिलैक्सेशन एंड आज और ज्यादा बेटर फील हो रहा है। टुडे इट इज मच मोर रिलैक्सिंग बिकॉज आज की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैं अच्छे से कर पाया कंपेयर टू यस्टरडे। ब्रीदिंग और जो मेन ये था कि फोकस करना है माइंड पे ब्रीदिंग के साथ, दैट वाज द बेस्ट। तो अभी भी जो फीलिंग है बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई होप दिस कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे एंड द कमिंग वीक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।